हम लोग अखिल भारतीय आंगनबाड़ी कर्मचारी महासभा संघ की प्रदेश अध्यक्ष तेज प्रताप भैया के आवास पर हम लोग अपने गुहार लेकर आए थे और उन्होंने सांत्वना दिया है। मैं अखिल भारतीय आंगनबाड़ी कर्मचारी महासभा संघ के समस्तीपुर जिला की जिला अध्यक्ष हूँ। आज जो है सो प्रथम सुनवाई हुई है, प्रथम अपील में गए थे, आज सुनवाई हुई है। उन्होंने उनके द्वारा आदेश पारित किया गया है जो हम सभी बिहार की तमाम सेविका सहायिका बहनों को बताना चाह रही हूँ। अपीलार्थी अखिल भारतीय आंगनबाड़ी कर्मचारी महासभा संघ कुमारी रंजना पति श्री मृत्युंजय प्रसाद ग्राम आदर्श कॉलोनी नेवरा रोड खगोल पोस्ट खगोल अनुमंडल दानापुर जिला समस्तीपुर ने परिवार संख्या 9999507241122000889 में दिनांक 6/12/22 को विभागीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी समाज कल्याण विभाग बिहार पटना के द्वारा पारित आदेश से असंतुष्ट होकर यह अपील बाद दिनांक 8/12/22 को दायर किया गया, जिसका अनन्य संख्या 9999503040721931 है। अपीलकर्ता के अपील बाद का संक्षिप्त विषय वस्तु राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को प्रशिक्षित कर प्राथमिक शिक्षक के समान वेतन व अन्य लाभ देने से संबंधित है। अपीलार्थी अपीलकर्ता उपस्थित अपील परिवाद पत्र पर अपीलकर्ता को विस्तार पूर्वक सुना तत्पश्चात अग्रिम में संलग्न साक्ष्य एवं विभागीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी समाज कल्याण विभाग बिहार पटना द्वारा दिनांक 6/12/22 को पारित आदेश का अवलोकन किया। विभागीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी समाज कल्याण विभाग पटना ने अपने आदेश में अंकित किया है कि अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के अवलोकनों उपरांत यह पाया गया कि यह मामला राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को प्रशिक्षित कर प्राथमिक शिक्षक के समान वेतन व अन्य लाभ देने से संबंधित है एवं विभागीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी समाज कल्याण विभाग द्वारा पारित आदेश के अवलोकनोपरांत पाया गया कि यह मामला शिकायत न होकर एक प्रकार का मांग या सुझाव है तथा नीति निर्धारित विषय वस्तु है, जिस पर विभाग स्तर पर निर्णय लिया जाता है, जो बिहार लोक शिकायत अधिकार अधिनियम 2015 के अंतर्गत समाज कल्याण विभाग बिहार पटना की योजना व कार्यक्रम एवं सेवाएं जिनके संबंध में परिवाद दायर किया जा सकेगा कि विषय वस्तु विषय सूची में सम्मिलित नहीं आते। अपीलकर्ता द्वारा मांगा गया अनुतोष का विषय वस्तु बिहार लोक शिकायत अधिकार अधिनियम 2015 के अंतर्गत समाज कल्याण विभाग बिहार पटना के योजना या कार्यक्रम एवं सेवाओं में सम्मिलित नहीं होने के कारण प्राप्त नहीं कराया जा सकता है। उक्त के आलोक में विभागीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी समाज कल्याण विभाग बिहार पटना के द्वारा दिनांक 6/12/22 को पारित आदेश में कोई त्रुटि नहीं पाकर आदेश को संपुष्टि करते हुए अपील आवेदन की कार्रवाई समाप्त की जाती है। साथ ही परिवादी को सुझाव दिया जाता है कि इसके लिए अपीलार्थी सक्षम प्राधिकार ICDS निर्देशालय समाज कल्याण विभाग बिहार पटना के समक्ष अपना आवेदन दे। यानी कि आज जो अपीलकर्ता हुआ था वो स्पष्ट कर दिए हैं, समाज कल्याण विभाग के पास भेजे हैं, समाज कल्याण विभाग को आवेदन करने के लिए कहे हैं, उन्होंने रास्ता दिखाने का प्रयास किया है और हम इसी शेड्यूल से रास्ता अपने रास्ते पर चल रहे हैं और रास्ते देख निर्देशक ICDS के यहाँ जाके सारा आवेदन कर हम लोग कर दिए हैं। आज जिनकी सुनवाई जो है दूसरी अपील का सुनवाई जो है सो 3/1/2023 को है और उसमें हम लोग भाग लेंगे और देखिए आदेश की प्राप्ति अपीलकर्ता को प्राप्त करा दे। परिवादी यदि संतुष्ट नहीं हो तो निर्धारित तिथि के अंदर अपील दायर कर सकते हैं। उन्होंने सारा रास्ता हम लोग को दिखाने का रास्ता दिखा दिया है। अब हम लोग जो है सभी बिहार की तमाम सेविका सहायिकाओं से अनुरोध करेंगे हम लोग को साथ दे और साथ चलकर जो भी हम लोग कार्यक्रम करते हैं उसमें सहयोग करें और आगे लड़ाई जारी रहेगा। सेविका सहायिकाओं के सिर्फ हमको साथ चाहिए, यहाँ सड़क से सदन तक लड़ेंगे और यहाँ से जब हमको आवेदन करने के लिए रास्ता दिखाई दिए हैं आगे भी हम लोग लड़ाई जारी रखेंगे, हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपना जीत हासिल करेंगे। तो हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं हमारे साथ रंजना दीदी है, इन्होंने प्रदेश अध्यक्ष है रंजना दीदी। हम लोग आज सुबह से 6 बजे हम चले हैं समस्तीपुर से और अभी तक हम अभी पटने में हैं, आप समझ सकते हैं जो हम कब घर लौटेंगे।
चूँकि हम सभी बिहार की तमाम सेविका सहायिका बहनों के लिए इतनी संघर्ष कर रहे हैं, हमारी रंजना दीदी संघर्ष कर रही है, तो बिहार की तमाम सेविका सहायिकाओं से हम अनुरोध करेंगे, आग्रह करेंगे, विनती करेंगे, प्रार्थना करेंगे जो हमारी रंजना दीदी को हमको सभी बहन मिलकर साथ दे और आगे लड़ाई लड़के अपना जीत हासिल कर सके। रंजना दीदी जिंदाबाद, रंजना दीदी जिंदाबाद, रंजना दीदी जिंदाबाद, रंजना दीदी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, रंजना दीदी आगे बढ़ो, रंजना दीदी आगे बढ़ो। मेरा भी यही संदेश है कि बिहार की तमाम सेविका सहायिका एकजुट हो और अपना लड़ाई रणनीति जो छिड़ चुका है उसमें सहयोग करें और अपना जंग जीतने का प्रयास करें, प्रयत्न करें। ये हमारा मुख्य संदेश है। बिहार के सेविका देख रही है जो हम लोग कितना कर्मठता से आपकी लड़ाई, आपका जंग, आपके लिए कैसे कैसे हम लोग अपने स्ट्रगल लाइफ को धक्का मुक्की प्रशासन से मार, अभी हम लोगों को इतना रोका गया, सचिवालय में सुनवाई सुबह से अभी हो गया है, अब घर कब पहुंचेंगे इसका आप लोग अनुमान लगा सकते हैं। जो आपका जंग, आपका लड़ाई कैसे हम लोग लड़ना शुरू कर चुके हैं। साथ दे, सहयोग करे और सेविका एकजुट हों। क्योंकि अभी आप तेज प्रताप यादव जो मंत्री हैं उनसे मिली, तो आपने क्या उनसे फरियाद किया और उन्होंने क्या जवाब दिया? हमने यही फरियाद किया कि नई शिक्षा नीति के तहत जो कैबिनेट में पास करना है उसको भैया पास कराइए और हम लोगों को प्रशिक्षण दिलवाइए, समान काम समान वेतन का लाभ हम मुझे भी मिलना चाहिए, यह प्रस्ताव को तेजस्वी भैया के पास आप रखिए और हमारा भी न्याय दीजिए। यही उनसे बात हुई है, उन्होंने भी यही कहा कि मैं तेजस्वी भाई के पास इस प्रश्न को रखूँगा और आप लोगों को न्याय दिलाने का प्रयत्न करूँगा, प्रयास करूँगा आगे। तो आज चूँकि आपका जो सुनवाई हुआ था जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत आप लोग चाहते हैं जो बिहार के तमाम सेविका सहायिका को ट्रेनिंग हो, डिग्री या डिप्लोमा कराया जाए, तो उस काम में आप कहाँ तक प्रोग्रेस देख रहे हैं? आज प्रथम अपील का सुनवाई था, आज हम लोग द्वितीय अपील में गए हैं, उसका सुनवाई एक डायरेक्टर के यहाँ 29/12 के है और 3/1 के प्रधान सचिव के यहाँ मेरा सुनवाई है। अब उसमें देखिए कि क्या वह निर्णय लेते हैं, क्या हमारे पक्ष में बोलते हैं, उसके बाद आगे की लड़ाई, आगे की प्रक्रिया हम लोग तैयारी करेंगे, आगे की रणनीति को तैयार करेंगे, आगे रणनीति क्या होगा उसका प्लान करेंगे और अपना लड़ाई जारी रखेंगे। सबसे बड़ी बात है कि आज हम लोग सुबह से तो एक मेहनत, मतलब कि एक उम्मीद की जो किरण कही जाती है वो हम लोगों को मिली है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग को अभी तक कहीं लिखित में ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन आज उन्होंने ये स्पष्ट किया है कि हम लोग आवेदन दे सकते हैं और उनको जवाब देना होगा कि आखिर क्यों हम लोग का कार्य आगे रुका हुआ है। तो ये एक हमें उम्मीद की किरण भी दिखाई, तो सबसे बड़ी हमारी यही सफलता है कि हम लोगों को एक रास्ता तो दिखाया गया है। तो आज सिर्फ एक रंजना दीदी इतना की, फिर उसके बाद हम लोग तो सभी बहनें मिलजुल कर करेंगे तो कितना आगे हमारा काम जाएगा। इसलिए हम लोग सभी आप लोग से अनुरोध करते हैं कि आप लोग भी रंजना दी का साथ दीजिए। और मुख्य बात है हमारी जो अभी स्मृति ईरानी जी जब हमारे सदन में हमारा सांसद लोग आवाज़ को उठाए थे, तो हम 13 लाख सेविकाओं की प्रतिष्ठा की बात थी जिसका प्रतिष्ठा को वो हनन किए हैं, वो महिला के मंत्री कहलाने लायक नहीं है स्मृति ईरानी जी, उन्होंने महिलाओं को अपमानित शब्द से प्रयोग किया और उन्होंने हम लोगों को एक समाज सेवी और समाज का सेवा देने वाला सरकारी कर्मी में नहीं रखने के लिए ये सब बातें बोल करके मानसिक हरास की है, जो अधिकार हमारी समाज कल्याण मंत्री को नहीं है। एक सिनेमा बनाने वाली महिला एक भारत का मंत्री बन करके भारत पर राज करने का प्रयास करती है और हम 13 लाख बहन जो समाज के धरातल पर काम करते हैं, ऐसे कामों को पुण्य का कार्य करते हैं जिसे देश के अंदर छाती पीट करके हमारे प्रधानमंत्री जी बोलेंगे जो सेविका के माध्यम से इस तरह का पोषण दूर हुआ, मृत्यु दर में कमी आई, सारा मैंने इतना ही नहीं केंद्र सरकार से लेकर के बिहार सरकार तक हमारा छाती ठोकने का काम करेंगे। और जब हमारी देने की बारी आती है तो हम लोगों को अपमानित किया जाता है, ये मंत्री कहलाने के लायक बिल्कुल नहीं है स्मृति ईरानी, इस्तीफा दे। हम
13 लाख भारत की सेविका इस्तीफा मांग रहे हैं। ऐसी मंत्री को महिला की मंत्री नेत्री नेता बनने का कोई अधिकार नहीं है, कोई ऐसा कानून नहीं है जो मेरा मंत्री रह सकती है। हमारा मानसिक हरास, हमारा शारीरिक हरास करने के बाद वो मंत्री रहे और हमारी ही मंत्री हमारे बारे में इस तरह का शब्द बोले, ये बिल्कुल शोभनीय नहीं है। उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, उनको रिजाइन कर देना चाहिए। ऐसी मंत्री हम लोगों को नहीं चाहिए। ये नरेंद्र मोदी जी की क्या हैं, इनको क्या कहा जाए, जिसका वो दलाली करते हैं विदेशों में, अपने अच्छे काम के गिनती के लिए जाएंगे जे हम पोषण मुक्त किए, WHO हमारे लिए ये करे वो करे, हमको सब कुछ कटौती किए, पोषाहार में इतना कम राशि जो कांग्रेस के राज में हमको 20,000 रुपये मिलता था और नरेंद्र मोदी के राज में रीजन में हम लोगों को 10,000 रुपया दिया जा रहा है। मानक रेट जो है, जो बाज़ार में 7 रुपये आलू का भाव, 70 रुपये दाल का भाव, 80 रुपये बादाम का, माने कोई भी ऐसा रेट नहीं है। 14 गो जो सामग्री है, हमको 14 सामग्री में एक भी रेट नहीं है जो सरकार हमको उस रेट पर देगी। या नरेंद्र मोदी और स्मृति ईरानी का जालसाज, उसका नाटक ड्रामा वो हमारी 13 लाख बहन भारत के अंदर देख रही है। वो मंत्री कहलाने के लायक नहीं है। सब चीज़ में कटौती कर रही है, सब चीज़ में कटौती करके और इस योजना को समाप्त करना चाहती है तो सीधे सीधे समाप्त कर दे। 13 लाख परिवार का वो हाय ले, हाय बटोरे, लेकिन वो मंत्री कहलाने के लायक नहीं है। हमारा नेत्री नहीं, हमारा नेतृत्व करने का बिल्कुल अधिकार उस महिलाओं को नहीं है। कांग्रेस की बुराई कर रही थी, कांग्रेस का जन्म दिया हुआ है यह योजना, इंदिरा गांधी जी द्वारा लाया गया सबला योजना, राजीव गांधी सशक्तिकरण के अंतर्गत आता था, उसको बंद करवा दी स्मृति ईरानी। और कब हमको 3,000 मानदेय किया गया ये भी उस मंत्री को पता नहीं है। वो अपना छाती ठोक रही थी जो एक बार 1,000 रुपया से 4,500 रुपया कर दिया गया, जो सरासर गलत है। पहले तो हमारा सारा शेड्यूल को मंत्री है तो पढ़े और उस चीज़ को समझे, महसूस करे कि हम क्या बोले जा रहे हैं। अभी सदन में बोल रही थी कि 1,000 रुपये से 4,500 रुपये उसको शर्म आनी चाहिए कि मात्र नरेंद्र मोदी के राज में हमको 3,500 रुपया किया गया। वो भी अगर कांग्रेस का राज होती तो हमको सीधे 3,000 से 6,000 होने वाला था। हम लोग 13 लाख सेविका अभागल थे, जो ये BJP का सरकार आई, नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री बने, चाय बेचने वाले, सिनेमा बनाने वाली महिला आज मंत्री बन गई, समाज कल्याण मंत्री बन गई। इसलिए हम लोग सोच रहे हैं, अपने आप को हम लोग अभागा घोषित कर रहे हैं और बहुत हाय लगेगा। 13 लाख परिवार का इस मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, बिल्कुल इस मंत्री के लायक नहीं है। मंत्री शब्द से नफरत हो रहा है भारत की सेविका सहायिका को। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, सेविका सहायिका संघ जिंदाबाद, सबका सहायिका संघ जिंदाबाद। अभी तो ले अंगराई है, अभी तो ली अंगराई है, स्मृति ईरानी को कुर्सी से उतार दो, स्मृति ईरानी को कुर्सी से उतार दो, स्मृति ईरानी का 3 दवाई, स्मृति ईरानी का 3 दवाई, जो अधिकार दिलाएगा, जो अधिकार दिलाएगा निकम्मी सरकार को, निकम्मी सरकार को। तेजस्वी यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तेजस्वी यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तेज प्रताप यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। यही अधिकार दिलाएंगे, यही अधिकार दिलाएंगे, यही अधिकार चलाएंगे। स्मृति ईरानी के 3 दवाई, लतम जुतम और पिटाई। ऐसी मंत्री को कुर्सी से उतार दो,
जो महिला को अधिकार न दिलाए, जो महिला के अधिकार न दिलाए, ऐसी सरकार को उतार दो। स्मृति ईरानी के तीन दवाई, लतम जुतम और पिटाई। नरेंद्र मोदी के तीन दवाई, लतम जुतम और पिटाई। जो महिला के अधिकार न दिलाए, सरकार चलाने के लायक नहीं, उसको कुर्सी से उतार फेंकेंगे। हमारी सारी जो 13 लाख सेविका बहन है वो अब कुर्सी से उतारने का काम करेंगी।